दकार डाला है। मोह को इसके दिशा का नाम दिया गया दकार का। मोह में कभी भी हमको जाना नहीं दिखाई देगा, मोह में हमेशा हमको अंधेरा दिखाई देगा, हम उसमें हमेशा भटकेंगे। अंधेरे की क्या खासियत है, अंधेरे में भटकते हैं, हमको दिखाई नहीं देता कि खड्डा है कि क्या है, पत्थर है, दीवार से टकराता है हम दीवार के साथ। इसी अवस्था में हमारा मोह जो है धीरे धीरे ढीला शुरू हो जाएगा। जब हमारा ये मोह ढीला होना शुरू हो जाएगा तब हम श्री चक्रधर स्वामी जी की पहली आज्ञा को मानेंगे, क्या सर्व संग परित्याग, मन से सर्व संग परित्याग का जो उन्होंने कहा है, अनुसरण का मतलब क्या है, आसक्ति से दूर हो जाना। जो आपका संग है, गीता में भी तो संग दोष कहा गया है, आसक्ति दोष है, संग का मतलब है चिपके हुए, तो चिपके हुए तो आंखें बंद है, अंधकार है और स्वार्थ है। ये मोह ज्यादा मूर्ता का लक्षण होता है, मूर्ता ज्यादा तामसिकता है, रज तम सत्व, तम जो है वो मोह है। द लोएस्ट लेवल ऑफ गुना इस मोह, जो तम है, तम का मतलब ये अंधकार है। हम वैसे ही कहते रहते तम समाज होते तम में, परमेश्वर हमको आप अंधकार से उजाले की ओर लेके जाओ, तो ये अंधकार से उजाले की ओर ले जाने की तो प्रक्रिया है। कैसे उजाले की तरफ जाओगे, उजाला ये भी नहीं कि कोई टॉर्च जलाने का लोग हो गया उजाला, टॉर्च अंदर जलनी है और अंदर जलाने के लिए आपको कार्य अंदर से ही करने हैं, बाहर से नहीं करने, भीतर से ही जड़ पदार्थों के साथ खत्म, भीतर से ही अपने अहम का भाव खत्म और भीतर से ही संग जो आ सकती है दूसरों के साथ। तो सर्व संत परित्याग वो केवल मात्र दिखाने का नहीं होता, वो भीतर से ही आसक्ति से निराशक्ति की ओर बढ़ जाता है, मोह से निर्मोही बन जाता है, निर्ममता। गीता में इसके शब्द क्या है, बड़ा कठिन है, बड़ा चुभने वाला शब्द है, निर्ममता। अर्थात निर्मम वैसे आता है जो बड़ा कठोर है, तो कठोर ही तो बनना है, दया तो हमको खराब कर रही है, मोह तो हमको खराब कर रहा है, तो उससे हम निर्ममता की ओर। जब हम किस ओर आते हैं, सर्वसंग परित्याग, सर्वसंग का मतलब ये नहीं कि सारे कुर्बे को मैंने इकट्ठा करना है एक दिन, जैसे आप सिर्फ करते हैं सारे कुर्बे इकट्ठा कर देता थे खड़े होकर स्टेज देते थे अनाउंस की तरह, मेरे सुन लो मेरे साले होते सोरे होते सर सरज होते चाचे होते ताए होते, मैं क्यों छोड़ना पे सर्वसंग परित्याग का ये मतलब नहीं है कि आपने एक एक का नाम लेके अनाउंस करते रहे, आज तेरा मेरा नाता खत्म, आज तेरा मेरा नाता खत्म, अंदर से ही जो काम है वो भीतर है, बीज रूप है, सीड, अंदर से सीड बदल गई ना, एक सीड निकाल दूसरी सीड डाल दी और पौधा अपने आप ही बदल जाएगा।